dimane molo kamna mo mikhe mayanga lo la tedbun bi ka mol ko ma ba hanga lo adita ya mom 1920 year deported atal lo ko kejuela ya na mol ko mdu to mol ko kono dong tule dong anga ka dong porina ka dong kejuel payment he ko ngo kol mol doboyen hi do ta ka munalu 20 30 sal idu in dupe kejuel lo hadi ka bale mokin gop me lehm बिफोर इलेक्शन काबी प्रागी दूं इलेक्शन करा ए मोलु दिमान हिमे गोप मेले काबी लंका देमामु लंगलु इनको ये इलेक्शन इनको लो बुतिंग दे लंगलु बॉयकॉट ये देंगोक मुइना में देख हुआ कि दिए कम गोलु जमलो वो लोग लोग होल्टीगर सर एरिया ए हुआ कि दिए कम हिंजिंग गोलु सेप्टेम्बर देगे पेमेंट एम को मिलो लो पामा हरो सरकार एंगोरी कोस्तुं आप सरकार अच्छा है पेमा सरकार आपका सरकार अच्छा है हम लोग का ये लेबर का थर्ली को लेबर का चार्टर और डिमांड को आप पूरी कीजिए हम लेबर कितना तक लेबर में रहते रहेगा क्योंकि हम लोग लेबर में हम 22 इयर्स में रह रहे हैं अभी और हमसे आगे ये बुरी बुरा लोग 30-40 इयर्स में रहे तो कितना हम लोग लेबर में लाइफ में रहेगा हम लोग भी हम लवर भी बच्चा पढ़ाना चाहता हूँ और बच्चा को लिखाना चाहता है इसलिए आप सरकार आप अच्छा सरकार है हम लोग का दुख को आप सुन लीजिए पेमा सरकार मोदी सरकार जी मोदी जी पेमा जी आप हम लोग का जितना आज का हम सब का लवर का दुख को तकलीफ को आप हम लोग का को मिटा दीजिए हम लेबर लेबर का हम लोग जितना भी लेबर है तो हम लोग भी बच्चा पढ़ाना चाहता है इसलिए आप सरकार हम लोग को ये मांग को पूरी कीजिए हम लोग को 15 इयर्स को जेल से जेल आप सरकार डब्ल्यूसी कीजिए जितना हम लोग का चार्टर और डिमांड है उसको आप प्यार से हम लोग को कर दीजिए हम सर आप सरकार आप भी ये चला सरकार चलाने ला ये पेमा जी आप मेरा बात को सुन लीजिए हम लेबर आज दुख में रो के आपका पैर से लेके माता तक हम लेबर विनती करता हूँ आप जैसे भी आज का दिन का हम लोग का चार्टर और डिमांड को पूरी कीजिए आपको यही मेरा मांग है ये वो लोग लेबर ही आरोप कम दद्दी नहीं हुआ कहीं लोग का गन्ना कर दे 15 इयर्स दम तो का 20-30 इयर्स एबोप ये नहीं कर दो दम नो लो रेगुलर बिबो इन बिबो में लुका तो दे तो पाए लगी दूं दे लोग के वो लोग डिमांड ही जेनुइन के बोधे कम कम है वो लोग हुआ के सरतरो पाइपोंस डिमांड हम ही ऑलरेडी कर दूं पोरिजिन है तो कर दूं लेबर दों को मोलो को मोलो काजी ने कादूं कांकेन माने उम कादूं इधर कोम होलो मात्रो मोलुम केजुएलम आउट ऑफ 3000 डिमांड नो 2000 हम इबितो बाकी हम तो इमांग दे हिंगो पेमा गवर्नमेंट हम कोम विश्वास को काय दूं मोलु खीरो को धरना इबम नाम हिम आया लंगोलुम काबिये पेम ला मिनाम को कादूं अभी डिपार्टमेंट से गिनने से कम कोई कोई 39-40 इयर्स कोई कोई लागू होके बेटा है मेरे 11 साल में मेरे पीएचसी मैं पीएचसी डिपार्टमेंट का है डब्ल्यू आई मैं भी 22 इयर्स चल रहा है डिपार्टमेंट में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस है मैं इंटरव्यू भी आपका पंगिन ये में देखे देखा है सियांग डिस्ट्रिक्ट में फिर भी नहीं मिला किस लिए नहीं मिला कोई मोलू का इसमें सियांग ये में आपका प्रेसिडेंट नहीं है सेक्रेटरी नहीं है तो इसलिए आपका जितना 30 इयर्स 40 इयर्स वाला भी आपका ये में कैजुअल में आज तक है और 5-6 ईयर वाला भी जिसको चाहे ऑफिसर उसी को डाल दिया इसलिए आज आप लोग याद करना है कि वो के प्रेसिडेंट है सेक्रेटरी है कैजुअल में हम कितना गुजरेगा क्योंकि नोलुक सब आज जो आ रहा है सबका पास में बच्चा होगा आपका कैजुअल शुरू होते समय में आपका बाल बच्चा एलकेजी में था आज आप देख लो सभी को हम बता रहे
मेरा भी वही है, मतलब आप अपॉइंटमेंट से लेके आज तो 30 ईयर्स हो गया, तो आपका बाल बच्चा जो है कमती से कमती आपका बच्चा पढ़ रहा होगा 12 क्लास में, आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप ये होते जाएगा, तो कर्जा पानी कहाँ से निकलेगा। हम ये मेरा ये है कि बात बोलने का ये है कि हम लोग का लेबर कितना तकलीफ में हम लोग जी रहा है, फिर भी हम लोग को गवर्नमेंट पेसेंट नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ में हम लोग का डिमांड यहाँ में लिखा हुआ है, आज का दिन में यहाँ में 5 डिमांड लिखा है, ये से हम लोग बात करना है, जहाँ तहाँ से नहीं, तो ये जितना डिमांड हुआ है उसको हम लोग पूरा मांगना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में जितना डिपार्टमेंट में कितना आदमी 20, 30, 50, 40 ईयर्स में हम लोग जी रहा है कैजुअल लेबर में, उसको हम लोग डिमांड किया है कि जितना 15 साल से कैजुअल में काम करती है उसको पूरा ये में WC देने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड किया है। तो एक डिमांड जो है जितना WC का पेमेंट उन्नू का स्केल पेमेंट जो है 1900 है उसको हम लोग 2400 बढ़ा दो बोल के हम लोग डिमांड किया है, और जितना ये है WC पोस्ट निकालता है हम लोग का गवर्नमेंट जो क्या करता है, हम लोग का अरुणाचल बोर्ड बोल के डिपार्टमेंट में जो नहीं रहता उसको भी बुला के ये एग्जाम देने देता है या में शामिल होने देता है, तो ऐसा हम लोग का कैजुअल लेबर लोग नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ये बोला है कि गवर्नमेंट से डिमांड हुआ है कि DPC बैठ के हम लोग को इंटरव्यू देना जरूरी है, डिपार्टमेंट में अलग अलग से इंटरव्यू देना जरूरी है DPC बैठ के, हम लोग ये डिमांड हुआ है, इसलिए हम लोग विश्वास है कि हम लोग का सरकार हम लोग का ये को डिमांड को मानेगा, इसलिए हम लोग ये और भी हम लोग डिमांड कर रहा है, हम लोग का जितना मांग हुआ है उसको सरकार का तरफ से पूरा कर देने से ठीक है, क्योंकि आज मैं ये भी कहना चाहती है कि जितना आज ये में हम लोग का सियांग न्यूज़ को ये में देखेगा उन लोग सब देखेगा, मीडिया में देखता है सब देखेगा, बाद में स्पेशली पावर डिपार्टमेंट में देखो सब, जहाँ यहाँ में भी पावर स्टाफ लोग आया हुआ है, फिर भी पावर डिपार्टमेंट में देख के देखो हम लोग का कैजुअल स्टाफ कितना करंट में मर रहा है, उससे मरने वाला फैमिली लोग गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलता है नहीं मिलता है, क्यों बोलने से जो मरता है वो कैजुअल स्टाफ है, इसका कारण से हम लोग गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेट नहीं मिलने पाता है, किसलिए क्यों ऐसे करता है, कैजुअल वो 10-20 साल में कैजुअल में रह रहा है उसका WC नहीं देने का कारण से हम लोग कॉम्पेंसेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। पावर डिपार्टमेंट में देख के देखो कितना हम लोग का एरिया में करंट में लग के एक्सीडेंट हो के घर में पड़ा हुआ बहुत है, अपना बीबी को पालने सकता है ना बेटी बेटा को पढ़ाने सकता है बहुत है, हाथ में लगा वाला हाथ पैरालाइज वाला दुनिया भर का है, ये सब को गवर्नमेंट जानने से ठीक है, करंट किसलिए आता है, मेचुका तो अभी जा रहा है अभी काइंग तो ये में हम लोग का पायुम सारकुर में लाइट हो गया, उसको कौन लाइट देने देता है, हम लोग का कैजुअल स्टाफ लोग काम करके लाइट को बिजली को मिलने देता है, अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हम लोग का कैजुअल स्टाफ से ये करेगा उन लोग डिडक्ट करेगा, ये सामान बुनने के लिए उन लोग भेजेगा, ऑफिसर लोग नहीं बुकेगा, बस्ती में एरिया में गाड़ी आने वाला सिर्फ ज़्यादा नहीं है 100% में से 30% होगा, हम लोग का एरिया में तो पायुम सारकुर में गाड़ी सोरो साइकिल भी नहीं आता है, तो उसका बेडिंग को ऑफिसर लोग को बेडिंग को कौन बुकेगा, हम लोग का कैजुअल लोग को बुकने के लिए भेजेगा, इसीलिए हम लोग का डिमांड को अगर गवर्नमेंट आज नहीं मानता है तो हम लोग बूथ नहीं देगा, नो सोल्यूशन नो बूथ, हम लोग अगर धोती नहीं जाएगा तो कौन बेडिंग बुकेगा, ऑफिसर लोग बेडिंग बुकने वाला नहीं है, जो उधर में इलेक्शन ड्यूटी में जाता है उसका बेडिंग हम लोग लड़का लोग को बुंगने भेजेगा और लोग को खाना बनाने के लिए भेजेगा, वो भी सोचने का बात है, हम लोग को काम में डिटेल करने में उन लोग मालूम है, हम लोग को WC देने में उन लोग दिक्कत है, पैसा लेबर दरमा बढ़ा देने में उन लोग दिक्कत है, ये क्या मीनिंग है, आज मैं ये पूछना चाहती है कि गवर्नमेंट से हम लोग को इतना काम कराना चाहता है तो हम लोग को भी माया करो, हम लोग का पास भी फैमिली है, बाल बच्चा है, पढ़ाई जानने वाला है, हम लेबर है, मेरा बेटी बेटा को लेबर काम करने दे बोल के हम लोग नहीं सोचता है,
हम लेबर है तो मेरा बेटी बेटा को भी एक ऑफिसर बनने देगा बोल के सोचता है। आजकल का दुनिया में देखता है हर जगह जगह में मिशन स्कूल है। मिशन स्कूल का दाम आप लोग मालूम है, सब मालूम है ना, एडमिशन में कितना लेता है। हम लोग का लेबर पेमेंट नहीं जुड़ता है बच्चा एडमिशन करने में। हम लोग का लेबर पेमेंट जो है जितना गवर्नमेंट में रहता है उन लोग का, हम लोग का लेबर पेमेंट को उन लोग का एक एक शाम का उन लोग का एक पैक जैसा होता है। उन लोग का रोम का वो एक बोतल कितना है 30-40,000। हम लोग का लेबर पेमेंट जो है 18,000। उसके देखो वो अपना पीने के लिए 30-40,000 वाला कीमती वाला ये लेता है। तो लेबर को हम लोग इतना मर मर के काम करने वालों को पेमेंट बढ़ाने के लिए वो सोचता है। इसलिए हम ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हम लोग को जितना 15 ईयर्स में हम लोग आज तक लेबर में काम करके जीरा है उसको WC दीजिए। WC देने से ठीक है, अगर हम लोग का डिमांड नहीं मानता है तो हम लोग नहीं बूथ नहीं देगा। बूथ देना नहीं देना वो मेरा पर्स है, हमको कोई भी गवर्नमेंट भी किन के नहीं रखा है। हम अगर देने मन नहीं होगा तो हम नहीं देगा, वो मेरा राइट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं माना है तो हम लोग जितना कैजुअल है हम लोग बूथ नहीं देगा, सब रेडी करके बैठना है। कैजुअल में ट्रांसफर नहीं होना है, अगर कैजुअल ट्रांसफर होता है तो कई जगह से वो आ जाता है तो उसका सीनियोरिटी उससे आगे हो जाता है। जैसे कि ऐसी सर्किल लग गया और कोई ऐसी सर्किल से आएगा या दूसरा से आएगा तो सीनियोरिटी ख़त्म हो जाता है। टॉप टू जो दिन रात काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है या साइट में काम कर रहा है, उसका सीनियोरिटी चला जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट को हमारे सियांग डिस्ट्रिक्ट के आदरणीय जोबुक साहब जी नोट कीजिए, ज़रूर इसको आप कदम उठाइए और हमारा सरकार हमारा अरुणाचल जो ऑफिसर लिंडुक से अनुरोध कीजिए। लुकेन मांगम आइए मीने मावला आई दू गम लुकाए गोलू हॉर्टिकार से लो 20 ईयर्स ये कई इधो हिन हुआ खिन हो करा लु मीने हर लुअर लुअर हिदुन इधो कम हुआ हॉर्टिकार सारे अदिल लो जी कुली तोन देख ले बार ये ने कम हुआ कम रेगुलर सर्विस इना कमांग आई दे ये कहल ये दूं दे कोनो मेलों इतना गोर बे लो निको या यो निको कट बम तो का देख बोराई मुर कोंग एम कम हुआ कम वो लुक कम अब डिपार्टमेंट पाइन तो दुई मोइना को भी मांग आई देख हुआ गोलु हॉर्टिकार सर हिन अलग हिन तांग के दुके दुये दो गोल मार हॉर्टिकार सर लो पुली इलेन दो लुंग दे इदो हिन दादी जगह जगह लो दो लुंग लो इनकु उनतुर पुली एन गो दुंग दे इदो को मुर कोंग तु पांग दुंग इदो हिन गोलु के हि गोलुम लुका ने मिगम बाबू कमरे दुंग दे के ऑफिस लो आराम ए ना किदिंग दान एब्सेंट एब्सेंट कमांग दोर मांगम पुल एपायन दुंग गोलु आगे इंगेंगा लो हिन तांग दुके दुये दो अरिगम इंगे हिये दुंग इदो कोम लो इको एफसे नोलूम दर मांग काटी दूँ आई दे गोलू मीना अतलुला मा इलादेम कम देलू कहना अतलुजुम मांग दे इम नोलूम आई रूम दगला लुकान हिनाम हम सिरिमो दरमा इनको आई रिमको अक्टूबर दर बोरा तम लुदू गोलू मुआ कम पोल पुनी कम भी मांग आई दे मा इमको गोलू भी हिका आ दून सा आगमे दे आई रू दसा 15,000 वो आइए किदूँ मलेरिया इदूँ मलेरिया पेशेंट इदूँ एलों लो आए पगला माए मिलो डॉक्टर सर लुबिए पसकर रिपोरिए मिलो नल काना के लेंगे नाइन देख लेगा है लेबर एम नम है कैजुअल लेबर एम नम दे एक साथ को है अन्ना भी क्या है ये बहुत दौला मुझे बहुत दौला आइए ले इर को है तोर बहुला जो काम मेरा कहना जो है आप लोग से भी मैं उसको मांग करता है तुकेरादेम अति केन माए तो ओलुक लाम कुलक केम WC बिला ऑफिस या मानेम WC बि तो जेम ओलु लुबी हि को काकुमांग लुबी हि एनाम कामा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कामा इतो स्टेट बेलो लुना कामा इतो हुआ ओलु स्टेट बेग लु एनम अनम लंग अबु एम पातुंग कु देग लगा एनोल आ ये बोदे लंका ओलु दे दिनम होलोंग ओलु किंग इनको ला WC गोलु ग्लाम को बिला इरो हन गोलु लुमा मलो बिनिम लुबि हिमा मलो केन माये नखुआ के पेमेन बिवाम लुनाम हिम को मे बिनिम लुबि हिमा मलो के इनको माये बिनि कम केन माये देख लगा नगाउ काबिये मलो
ก็ยังเบี้ยนำเดินล้อมินมือดุนเพราะฉะนั้นเสกเตอร์ยืนยิ้มกองวอลล์ปอร์บิลล์ลูบิฮิมลอเดินล้อมินบุญยิ่งก็มตายเย็นน่ะงอกรมอันนี้เราหลังงอกาวเกะกับเย็นหินกำมาเย็นงอไอรู้เย็นมือดุนเอาเอ็ดดิลอดิกับเย็นงอกาวเอ็ดก็อยากตื่นดุนมาเมก็อยากรู้ดุนมายุ่มมือดุนเนี่ยงอล้มดุนเด็กๆเอ๋ปอร์บุลเลมก็กายมบุญยิ่งลูบิฮิมนำเป็นป้าตุ้งกูฮิลล์ก็โดนยิ่งอากรรมโดนยิ่งก็งอลุ่มเฮลือล้อมมันได้ अभी कोई केजुअल में इतना 30 साल 40 साल हो गया, कोई केजुअल में बूढ़ा होके रिटायर भी हो गया, काम करने लायक नहीं हुआ, तो ऐसे कितना जो मजदूर जो है तकलीफ में फंसा हुआ है, उसको भी मैं अपने पेमा खांडू साहब से बोलना चाहूँगा। आज देख रहा है सभी, आजकल का मीडिया का ज़माना है, पहले ऐसे नहीं था। आज जो भी बोलेगा पूरा भारत फैल जाता है, दुनिया फैल जाता है। इसलिए मैं पेमा खांडू साहब से प्रार्थना करके निवेदन करता हूँ कि हम मजदूर भाइयों को जो कृपा करके हमारा जो मांग है उसको पूरी कर दीजिए। जब धरना बोलेगा उसमें हम लोग ये प्रेसिडेंट साहब एक साथ मिल के जब इंटीमेशन देगा, आप लोग कृपया करके जैसे करके भी कहीं हो जगह में होने से भी हमेशा क्राउदी में सब मिल के आइए, तब बनता है। जो भूख और ताकत कमूत कुछ नहीं कर सकता है, आप लोग साथ नहीं देगा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग साथ देना पड़ेगा, आप लोग साथ नहीं देगा तो हम लोग काम करने नहीं सकेगा। और एक स्पीकर बोल के गया, जैसे कोई किसी का लेबर को परमिशन नहीं दे रहा है, इस बार ऐसे नहीं होगा। हम लोग जो बुक प्रेसिडेंट साहब मिल के अभी वहाँ में जो हर एक डिपार्टमेंट HOD में पूरा इंटीमेशन धारणा करेगा, बोलने से एक दिन में इंटीमेशन देगा, वो जैसे भी आना है। इसके लिए हम लोग रिक्स लेगा, वो लेबर मांग, वो केजुअल लेबर को भी मांग, वो इक को भी कहा मांग। इधर लगो सिलो नुक नुक करा है, नुक पुरान नो दाग दूँ, नुक दूँगा, नुक आदिरम, नुक तोगली बम, वो साथ भी को ला दूँ, नुक प्रेसिडेंट को है, नुक मंगा ब्लांका, नुलो मंगा तो का, जो पालन, सो के गीत के माय, इलम है, नुलो साथ भी मांग मिलो, वो आप मुँह तो को मुँह तू माय, नुलो साथ हम पितो का, नुलो एक को दे साथ भी नहीं, देखना को स्ट्रोंग जे, देखना को आर्दा है, गोम आर्दा मोनाम लगा, गोम स्ट्रोंग मोनाम लगा, नुलो आप वत्त लंका, आप गोम तोरगुम तोरदुम सिलंका, दलों को आको को आर्दा है, दलों के पसंद नाम कबांग, गुलो यूनिटी कला आगे रे मिलो, मिगोम दे मिलो पसंद है, मिता दे मिलो पसंद है, गुलो ओपन दे सीधा को आइए रा बुलु बुलुंगुल आयामल बुकिंगु सिलिक दंग बाईये दे आपेंगु मुदुला ngo केनो दुदम बे मिगोमम लुला बे मिरेम लुला तानी दे तानी बोरा बोरे इनामे बे आतेल दोसि दो मिजुम बाय ओपनम को आया पलागे दा मिरेम तते तुरदम काजुम बाय मिगोम तते तुरदम काजुम बाय लेबार दे गम तुरप लागे मिगोम दे गम तुरप लागे तानी दे तानी नेंगे दमगुलु मंगाप गलाजु मंगाप गलांका वो सिलो के केजुअल लेबर को ओकार दोलुंग दोलुम वो बार बार कुम गाप दूं। गुड आफ्टरनून। तो सबसे आगे थैंक्स बोलना चाहेगा सियान न्यूज को। आज हम लोग बीच में अरुणाचल प्रदेश स्टेट यूनियन फेडरेशन सियान यूनिट का एजुकेटेड मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। मेरा राइट में बैठा हुआ है जोगुक पालन प्रेसिडेंट सियांग यूनिट, उसके बाद में साइड ये जो साइड में बैठा हुआ है पकड़ पाबो सियांग यूनिट का ट्रेजरर है, उसके बाद में मेरा जो राइट में बैठा हुआ है वो जनरल सेक्रेटरी है ये ताकोट खामु, उसके बाद माइसेल ताई ओरी मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सियांग यूनिट का हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे जितना ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश में
हम लोग का जो धरना है ऑन द डेट 11/2024। तो हम लोग का यहाँ पे सियांग बाई से लेके हुई बहुत सा सियांग का ब्लॉक ब्लॉक का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया है। हम लोग का सियांग में है 7 ब्लॉक है सियांग में, तो 7 ब्लॉक का जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपना अपना मेंबर को लेके हम लोग का सियांग का हेडक्वार्टर बोलन डीसी कंपाउंड में हम लोग धरना बैठा है। तो हम लोग का जो मेन धरना बैठने का जो हम का रीजन था वो था हम लोग का मेमोरेंडम, हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था, चार्टर ऑफ डिमांड्स जो कैजुअल वर्कर उसके बाद जनरल वर्कर डब्ल्यूसी वर्कर उन लोगों के लिए रखा था। तो ये जो है पहले रखते समय को जो शुरू में जो है 5 पॉइंट था, लेकिन उसमें से 1 पॉइंट को पूरा करा है और वो पॉइंट जो था कि इन्हेंसमेंट ऑफ सैलरी अबाउट 30,000 एवरी कैजुअल वर्कर, 3,000 टू एवरी कैजुअल वर्कर। तो इसको भी गवर्नमेंट होल बिल किया तो है लेकिन इसको भी आधा आधे में ही किया है। हम लोग का डिमांड जो था 3,000 था लेकिन उसमें 2,000 स्लिप किया है। तो इसको भी हम लोग सरकार को अंडरस्टैंडिंग करते हुए में ये जो पास का जो पॉइंट था उसको हम एक्सेप्ट किया है। लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेस जो अभी आज हम लोग का स्टार्ट हुआ है क्यों बोलने से हम लोग का जो 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट पूरा नहीं हुआ था, तो उस 4 पॉइंट को अभी हम लोग सरकार को पूरा करने के लिए हम लोग आज जो है हम लोग का प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक को शुरू किया है बोलन में। तो वो 4 पॉइंट जो है एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ डब्ल्यूसी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डब्ल्यूसी कंप्यूटर ऑपरेटर इन पीडब्ल्यूडी, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद पीएचई एंड डब्ल्यूआरई डिपार्टमेंट फॉर रुपीज 1,900 टू रुपीज 2,400। जितना भी हम लोग का डब्ल्यूसी एम्प्लॉयमेंट है डब्ल्यूसी कंप्यूटर ऑपरेटर है पीएचडब्ल्यूडी पीएचडी आरडब्ल्यूआरडी वो जितना डिपार्टमेंट का है उन सभी का डिपार्टमेंट का को हम लोग जो है ग्रेड पे बढ़ाने के लिए हम लोग डिमांड किया है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है 1,900 टू 2,400। और सेकेंड डिमांड है क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूसी पोस्ट इन एवरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जो हम लोग का डब्ल्यूसी पोस्ट है हर एक एक डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो लाना पड़ेगा, ये हम लोग का सेकेंड डिमांड है। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ एमटीएस पोस्ट फ्रॉम एपीएसएसबी इंटरव्यू एंड एग्जाम। जो एग्जाम है एमटीएस का जो पोस्ट है एपीएसएसबी से हटाने के लिए ये हम लोग का जो है तार डिमांड है। और फोर्थ डिमांड है रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कैजुअल वर्कर दोज हु हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स एंड अबव सर्विस इन डिपार्टमेंट। जितना भी 15 इयर्स का अबव है हम लोगों का डब्ल्यूसी वर्कर जो आज हम लोग अंदाजा लगाने से कोई कोई लोग 20 साल भी हो चुका है, कोई कोई लोग 21, 30, 25 तक भी होने लगा है। तो उन सभी के लिए हम लोग ये बहुत डिमांड कर रखा है कि 15 इयर्स के बाद में गवर्नमेंट जो वो जो कैजुअल वर्कर है उसको जैसे भी डब्ल्यूसी देना है। तो ये फोर्थ पॉइंट लेके आज हम लोग यहाँ पे जितना भी हम लोगों का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है और सियांग यूनिट का जितना भी कैजुअल जनरल वर्कर हम लोग सब यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है। और हम लोग का जो प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक है ये यहाँ पे सिर्फ सीमित नहीं रहेगा। अगर कल को गवर्नमेंट हमारा स्टेट का गवर्नमेंट जो हम लोग का डिमांड को नहीं सुनेगा ऑब्वियसली शायद उस रेस्पेक्टेड हम लोग का सीएम पेमा खांडू सर जी ऑब्वियसली आप लोगों का थ्रू से कुछ डिले भी हो सकता है उसको भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखेगा। लेकिन फर्दर अगर ज़्यादा डिले होता है होने से हम लोग का प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा एज पर दी मेंशन इन नोटिस ना, हम लोग का जो नोटिस निकला है मेमोरेंडम में निकला है उस हिसाब में कंटिन्यू रहेगा। और आज का जो हम लोग का किया ये जो पास फेस था जो आज है और अगर कंटिन्यू हम लोग करते जाएगा तो गवर्नमेंट का डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो सेकेंड पेज में हम लोग जाएगा। जो सेकेंड पेज जो है
टूल स्पेन फ्रॉम ऑल ओवर द अरुणाचल प्रदेश टूल स्पेन जितना भी टूल स्पेन होगा वो अरुणाचल प्रदेश ऑल ओवर द अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हर एक एक जगह में ये एक्शन को लिया जाए और वो होगा 14 and 15 March 2024 में। और फर्दर अगर ये हम लोग का जो कोलैप्स है ये आगे बढ़ते रहेगा तो सेकेंड बेसिस में जाएगा मास केजुअल लीव ऑन 18, 19, 20 March 2024। उसके बाद में उसे कंटिन्यू करेगा फोर पेज जो होगा हंगर स्ट्राइक होगा ऑन 3 and 4 April 2024 वो आईजी पार्क में होगा। हम लोगों का एंटायर डिस्ट्रिक्ट का जितना भी डब्ल्यूसी वर्कर है जितना भी हम लोगों का लीडर्स है वो सब आईजी पार्क में जाके हंगर स्ट्राइक 2 दिन का हम लोग करेगा। उसमें भी सीमित नहीं होने से हम लोग का 5 पेजेस ऑफ स्ट्राइक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 10 April 2024। इस ये जितना हम लोगों का धारणा है धारणा का स्ट्राइक ये अगर फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग का लास्टली हम लोग का जितना भी ये वर्कर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग का यही एक सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन नो वॉर। तो इसमें मैं इस पेसेज को बताते हुए जितना भी आज का जो जितना केजुअल वर्कर हम लोग का यहाँ पे सियांग में आए हैं उन सभी का मैं जस्ट ऐसे हाईलाइट के लिए आप लोगों को लिस्ट को मैं बताना चाहूँगा। हम लोग का काइम ब्लॉक से 70 मेंबर आज प्रेजेंट हुआ है इस धारणा इस मेमोरेंडम को सपोर्ट करते हुए केजुअल वर्कर प्लस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। उसके बाद में पायुंग ब्लॉक से 50 मेंबर्स आया है पेसिंग ब्लॉक से 60 मेंबर आया है रुंगोंग ब्लॉक से 65 मेंबर आया है पांगन ब्लॉक से 80 मेंबर्स आया है उसके बाद रीगा ब्लॉक से 20 आया है बोलंग ब्लॉक से 190 आया है। तो हम लोग का टोटल जो आज प्रेजेंट था वो 535 मेंबर था जो हम लोगों को रैली में पूर्ण सपोर्ट किया है। तो उन सभी मेंबर को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। उसके बाद में मैं ये भी कहना चाहूँगा जो जो सियांग यूनिट के जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं कैजुअल डब्ल्यूसी स्टाफ है आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग नेक्स्ट बार का चलो आज का जो रैली में आप लोग कुछ कारण से नहीं आ सका है वो हम लोग समझ सकते हैं लेकिन ये जो सेकेंड पेज में जो है कि कॉन्डक्ट होने जा रहा है 14 और 15 इसमें आप लोग हम लोगों को फुल्ली कोऑपरेशन कीजिएगा। हम लोग जो कर रहा है वो आप लोग के लिए कर रहा है उसके बाद में जो यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा वो आप लोगों का होगा और हम लोग का एंटायर डिस्ट्रिक्ट का होगा। उसके बाद में मैं हम लोगों के स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं अनुरोध करता हूँ काइंडली आप सकने से काइंडली जल्द से जल्द ये स्टेप को आप पूरा कर दीजिएगा। मैं पेमा कांगू सर जी आपके जो गवर्नमेंट हैं उसको हम लोग पूरा फुल सपोर्ट करते हैं आपका इनिशिएटिव को देख के यू आर द यंग लीडर जो बहुत एम्बिशियस है आपको हम लोग पहचानते हैं। तो इस छोटा सा ये जो पॉइंट है ये आप भी समझ सकते हैं हम लोगों के जो कैजुअल वर्कर्स डब्ल्यूसी वर्कर्स के जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को आप गौर कीजिएगा ताकि हम लोगों का स्टेट में और अरुणाचल स्टेट में हर कोई मतलब शांति से रह सके। आप भी अपना सरकार को शांति से चलाइए और हमारे वर्कर्स को भी शांति से रहने दीजिए किसी का भलाई करने में किसी को कोई नुकसान नहीं होता है ना। ये हम लोग का जो डिमांड है ये डिमांड किसी का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई नहीं होगा दिस इज फॉर ऑल जो हम लोग का डब्ल्यूसी वर्कर है जो कम वेजेस में बहुत बड़ा बड़ा काम करता है। कैजुअल वर्कर आज का समय में देखा जाने से बिना कैजुअल वर्कर का देयर इज कोई ऐसा ऑफिस नहीं है कि वो रन नहीं होगा रन होगा।
एवरी ऑफिस डीसी ऑफिस टू लेके आपका पीएचई हाइड्रो पावर ऑफिस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हर जगह में बोलो आपका ज्यादातर दिखने से आपका केजुअल वर्कर दिखाई देगा आपका उसके बाद में साथ में आपका डब्ल्यूसी वर्कर दिखाई देगा वेस दे वर्क वो लोग काम करता है वो लोग इतना काम करता है वो लोग रेगुलर जो पैसा का आता है पेमेंट का आता है उन लोग से ज्यादा काम करता है कहीं ना कहीं देखा जाने से ये एनालाइज करते हुए मैं आप समझ सकता है आप यंग है डायनामिक है आप समझ सकता है आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आप इस चीज को गौर कीजिए उसके बाद में बिफोर आवर ए पेशेंस ऑफ स्ट्राइक कंटिन्यूस आप बीच में इस सब सभी का सोल्यूशन ला सकने से बहुत ही होगा ओके मैं अपना स्टेट गवर्नमेंट को मैं पेमा खांडू सर जी को थैंक यू के साथ में यहाँ पे रखना चाहूँगा बात